संभल के पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मौके पर कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए 3 थानों के पुलिस बल के साथ अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला। इसके साथ ही शहर में किसी शोक सभा और जुलूस को निकालने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाए जाने की जानकारी दी। यह रूट मार्च संभल बहजोई हाईवे से शुरू होकर नगर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए आदमपुर मार्ग पर स्थित पुलिस चौकी पर संपन्न हुआ। आपको बता दें, सोमवार को सीओ संभल जितेंद्र सरगम के नेतृत्व में बहजोई पुलिस लाइन में से इकट्ठे हुए 200 पुलिस जवान चौधरी सराय पुलिस चौकी पहुंचे, जिनमें संभल कोतवाली नखासा थाना और हयात नगर थाने के पुलिस जवान और थाना प्रभारी निरीक्षक शामिल थे। चौकी चौधरी सराय से असामाजिक तत्वों में भय व्याप्त करने के उद्देश्य से नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो चौधरी सराय चौकी से एक रात वाली मस्जिद होते हुए जामा मस्जिद से सरथल चौकी होकर शंकर चौराहा पहुंचा, जहां से अस्पताल चौराहा होते हुए एजेंसी तिराहा, आर्य समाज रोड से छंगामल रोड, अंजुमन तिराहे से नखासा चौकी होते हुए करबला के बाद मंडी समिति होते हुए चौधरी सराय चौकी पर वापस पहुँच कर सम्पन्न हुआ।